नमस्कार दोस्तों, हमारे जो इंस्टाग्राम लाइव करने का एक जो मिशन था वो अब धीरे धीरे सक्सेस होने लगा है। काफ़ी सारे लोग हमारे इंस्टाग्राम लाइव पर आ रहे हैं। जी हाँ, अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं, हर रविवार रात को 9 बजे मैं आता हूं इंस्टाग्राम लाइव पर, जहां पर हम वीडियो कॉल के थ्रू मैं एक दूसरे के साथ में बातें करता हूं, आपकी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझता हूं और अपने एक्सपीरियंस के बेस पर उसके सॉल्यूशन देने की कोशिश करता हूं, और आप लोगों से बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलता है। तो जुड़िए मुझसे इंस्टाग्राम लाइव। मेरा आईडी है भरत_KJain। मिलता हूं मैं हर रविवार रात को 9 बजे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत जैन और एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल भरत जैन पर। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही अच्छी बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम बहुत ही बेसिक एक टूल बॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप इस बिजनेस में हैं या फिर आप अगर आना चाहते हैं तो आपका जो हथियार है, आपका जो टूल बैग है, उसमें कितने टाइप के टूल्स होने चाहिए उसके बारे में बात करने वाले हैं। इसको मैं एग्जांपल के साथ में लीड करना चाहूँगा। जैसे कि एक सोल्जर जो होता है वो जब लड़ाई करने के लिए बॉर्डर पर जाता है ना, तो उसके पास में हर एक टाइप का हथियार होना चाहिए। अगर वो हथियार उसके पास में है तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है, वो अपने शत्रु को मात देकर आता है। उसी तरह से जब हम हमारे काम के लिए निकलते हैं तो हमारा जो टूल बैग है वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। उसके अंदर हर एक छोटी मोटी टूल्स होनी चाहिए ताकि हम आने वाली प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे से अपने टूल्स को यूज करते हुए ईजिली क्लीनिंगनेस के साथ में शॉर्ट आउट कर पाए। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम यही बात करेंगे कि आपके टूल के अंदर एज ए टेक्नीशियन कितनी चीज़ें होनी चाहिए। मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बहुत सारी चीज़ें निकाल के रखी हैं, अगर वो चीज़ें आपके टूल बैग में इंक्लूड नहीं है तो आपको करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। एक चीज और मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैं वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए, मेरे लिए, तो प्लीज़ हमारे अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो उसके ऊपर कम से कम आप लाइक तो कर ही सकते हैं। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन आप मेरे वीडियो को लाइक भी करिए, क्योंकि लाइक करने से मुझे पता चलता है कि आपको मेरा कंटेंट जो है वो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, और हम इसी लेवल से आगे और बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले हम टूल की बात करते हैं। आपके पास में एक अच्छा सा बैग होना चाहिए। बैग ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर मैक्सिमम टूल आपके आ जाएँ। बैग कई तरह के होते हैं। नॉर्मली ये जो बैग हैं आपको मार्केट में अच्छे स्ट्रेंथ के बैग 500-600 रुपए से शुरू होकर 1500-2000 रुपए तक के बैग आते हैं। डिपेंड करता है कि आपको कौन से बजट में जाना है, बाकी आप बैग कोई भी ले सकते हैं। अब उस बैग के अंदर आपके पास में सबसे पहले होनी चाहिए वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपके बैग के अंदर होनी चाहिए एक हैमर। जी हाँ, हथौड़ी, एक अच्छी मीडियम क्वालिटी की एक हथौड़ी आपके पास में होनी चाहिए। इसके बाद में आपके पास में एक स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए। स्क्रू ड्राइवर के अंदर अलग अलग साइजेज आपके पास में टोटल 3 टाइप के स्क्रू ड्राइवर होने चाहिए। एक बड़ा स्क्रू ड्राइवर, जो बड़े जो स्क्रू होते हैं उसको ओपन करने के लिए, एक मीडियम स्क्रू ड्राइवर और एक छोटा स्क्रू ड्राइवर। छोटा स्क्रू ड्राइवर आपको BNC टाइट करने में काफ़ी हेल्प करेगा, और हमारे बहुत सारे कंपोनेंट जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, उसको ओपन करने में भी आपकी बहुत ही हेल्प करेगा। फिर आपके पास में एक टेस्टर होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज को चेक करने के लिए। फिर आपके पास में एक मल्टी स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए जिसके अंदर बहुत सारे स्क्रू ड्राइवर होते हैं, ये आपके पास में अलग से होगा, और वो जो मेन जो मैंने आपको पहले 3 बताए थे वो अलग है, वो भी होने चाहिए, और साथ साथ में आपके पास में एक मल्टी स्क्रू ड्राइवर का सेट होना चाहिए। आपके पास में एक कटर होना चाहिए आपके बैग में। एक स्ट्रिपर होना चाहिए अच्छी क्वालिटी का, जो कि केबल को बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ में बिना उसको डैमेज किए हुए कट करे। एक प्लायर होना चाहिए आपके पास में। एक मल्टीमीटर होना चाहिए, मल्टीमीटर एक अच्छी क्वालिटी का, जो कि आपको वोल्टेज चेक करने के लिए मदद करेगा कि जो वोल्टेज कैमरा को या फिर सिस्टम को मिलने चाहिए वो आ रहे हैं या प्रॉपर नहीं आ रहे हैं। फिर आपके बैग के अंदर एक क्रिम्पिंग टूल होना चाहिए। अगर आप IP कैमरे का काम कर रहे हैं या फिर DVR को ऑनलाइन करने के लिए आपको पेच कोड बनाना पड़ता है, तो उस पेच कोड को बनाने के लिए IP कैमरे का काम करने के लिए एक अच्छा क्रिम्पिंग टूल आपके पास में होना चाहिए। एक क्रोनिक का पंच टूल आपके पास में होना चाहिए। अगर आप इंटरकॉम का काम करते हैं तो उसके अंदर पंच टूल होता है, ये कुछ इस तरह से दिखता है, ये आपके पास में होना चाहिए। आपके पास में एक केबल टेस्टर होना चाहिए। आपके पास में
एक सोल्डरिंग आयरन होनी चाहिए, जिससे आप कोई भी वायर को अगर सर्किट के अंदर कुछ इश्यूज आए हैं या फिर कोई वायर पीसीबी से निकल गया है तो उसको सोल्डर करने के लिए उसके साथ में आपके पास में सोल्डरिंग वायर और फ्लक्स होना चाहिए। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बैग के अंदर एक साइड में रख देनी है। फिर अगर आप कहीं पर भी काम करने के लिए जा रहे हैं तो आपके पास में एक अच्छी क्वालिटी की ड्रिल होनी चाहिए। उस ड्रिल के साथ में आपको अलग अलग बीट रखनी है, जैसे कि 6 mm, 8 mm और एक बड़ी साइज का जो ड्रिल बीट होता है, जो कि हमें दीवार को आर पार करने के लिए, मतलब जो दीवार को आर पार करने के लिए काम करता है, वो एक बड़ी साइज का एक ड्रिल बीट भी आपके पास में होना चाहिए। इसके साथ साथ में आपके पास में टूल बैग के अंदर कुछ चीज़ें भी आपको साथ में रखनी है, जैसे कि आपको एक सीसीटीवी के केबल का टुकड़ा रखना चाहिए आपको, करीबन 5 या 10 मीटर का, इससे ज़्यादा नहीं। फिर डिपेंड करता है कि वो जो प्रॉब्लम है वो किस टाइप की आपको पहले से ही पता है, लेकिन ये जो 5 से 10 मीटर का टुकड़ा है वो तो आपको रखना ही है। उसके साथ साथ में आपके पास में एक कैट 6 का भी 5 से 10 मीटर का टुकड़ा होना चाहिए। वीडियो बलून आपके पास में होने चाहिए। जब भी आप कोई प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए जा रहे हैं, आपको वेव्स नज़र आ रही है, अगर आपके पास में बलून होगा तो आप इजीली उसको शॉर्ट आउट कर पाओगे। आपके पास में RJ45 के कनेक्टर जो होते हैं वो आप रखिए आपके बैग के अंदर। आप उसके अंदर RJ11 के जो कनेक्टर्स होते हैं वो आप उसके अंदर रखिए। 4 से 5 BNC कनेक्टर रखिए, 4 से 5 DC कनेक्टर रखिए, 4 से 5 आप RC कनेक्टर रखिए। ये सब एक आप आराम से एक अच्छे से बॉक्स के अंदर रख सकते हैं। इसके साथ साथ में आपको एक DVR के लिए जो एडेप्टर होता है, अप्रॉक्सीमेट वो एडेप्टर जो है वो 12 वोल्ट 5 एम्पियर का आप ले लीजिए, मोस्ट ऑफली सभी DVR में वो सपोर्ट कर लेगा, वो एडेप्टर एक आप रखिए। एक 4 या 8 चैनल की एक पावर सप्लाई भी आपको आपके बैग के अंदर रखनी है। उसके साथ में आपको एक चालू कैमरा, एक कोई भी आपको उसके साथ में चालू कैमरा रखना है, जैसा कि मैंने अपने वीडियो के अंदर, जो लास्ट मेरे दोनों वीडियो उसके अंदर मैंने बताया था कि कैमरा अगर आपके पास में होगा तो आप इजीली इंस्टेंट उसको चेक कर पाएंगे कि कहीं अगर आपके पास में नया कैमरा होगा, आपने चेंज करके देख लिया कि कैमरे का ही फॉल्ट है, तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। फिर उसके साथ में अगर आप ज़्यादातर अगर आप काम कर रहे हैं इंटरकॉम का भी, तो आप इसके साथ में एक कॉलर आईडी वाला फ़ोन आपको रखना है। तो ये जो सब चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो करीबन 31 से 32 चीजें हो रही हैं, जो आपको आराम से एक बड़ी साइज के बैग के अंदर, मीडियम साइज, इतना भी ज्यादा वो बड़ा नहीं होगा, उस साइज के अंदर आराम से सेट हो जाएगी। और जब आप आपके फील्ड में निकलेंगे तो आप आपके कॉन्फिडेंस के साथ में निकलेंगे। आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आएगी, चाहे वो इंस्टॉलेशन से रिलेटेड हो, चाहे कोई प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, बहुत ही कम समय में आप आपके टूल्स का उपयोग करते हुए उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। आपका टाइम बचेगा, आपकी फिनिशिंग जो होगी काम की वो काफ़ी अच्छी होगी, और आपका जो इम्प्रेशन है आपके क्लाइंट के सामने वो भी काफ़ी अच्छा पड़ेगा। तो यही था आज के हमारे इस वीडियो के अंदर, ये चीज़ें आपको आपके टूल बैग के अंदर रखनी है। अगर आपने अभी तक परचेज नहीं की है तो परचेज कर लीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सब चीज़ें मिला के आपका एक जो टूल बैग है, करीबन 2 से 3 हज़ार रुपये के अंदर आपका टूल बैग रेडी हो जाएगा। तो अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को आप लाइक करिए मैक्सिमम, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, दूसरों के साथ में शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक, नई टेक्नोलॉजी के साथ में। तब तक आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इन वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।